खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरलॉक की मशीन में धागा डालना बताऊंगी। इंटरलॉक की मशीन में धागा डालने के लिए हमें इस प्रकार के तीन रोल चाहिए। देखिए ये रहे मेरे पास तीन रोल और एक ये चिमटी चाहिए। इस तरह की चिमटी होनी चाहिए धागा डालने के लिए। तो आइए मैं आपको धागा डालना बता देती हूँ। सिलाई कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। 1000 रुपये फीस रहेगी कोर्स की और 2 महीने के लिए कॉलिंग टाइम रहेगा। तो इन तीनों रोल के धागों को इनके ऊपर हमें लगा लेना है। धागा डालने की जगह है ये, बिल्कुल रोल के सामने होनी चाहिए तीनों। अब देखिए इस साइड का जो ये पहला रोल है ये हम यहाँ पे धागा डालेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे धागा डालना है। पहले ये जो छेद है इसमें 4 साइड है ये छेद, तो एक धागा हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे निशान दिख रहा है आपको, ये छेद दिख रहा है, तो इसमें धागा डाल देंगे। इस छेद में डालने के बाद इस छेद में और इस छेद में डालने के बाद इस टेंशन में यहाँ पे धागा डालेंगे और इसके बाद इस छेद में लगाएंगे इस धागे को। इसके बाद ये आपको जो पत्ती दिख रही है इसमें धागा डालेंगे। आप देखिए ये जो नीचे की साइड मुड़ी हुई है 2 पत्तियाँ, तो एक पत्ती में डाल देंगे और एक पत्ती में इस साइड से डाल देंगे। हाथ से नहीं डल रहा है तो इस चिमटी की मदद ले लेंगे और इस तरह से धागा डाल देंगे। अब देखिए एक और जगह धागा डालने की इसके अंदर है, यहाँ पे इसमें 2 छेद है, तो इसमें धागा डालेंगे हम। पहले छेद में धागा डालेंगे इस साइड से, अंदर की साइड से धागा बाहर की साइड आना चाहिए। देखिए इस छेद में मैंने धागा डाल दिया है इस तरह से, अंदर की साइड से धागा बाहर की साइड आना चाहिए। अब जो धागा है वो बाहर की साइड से अंदर की साइड जाना चाहिए, इस छेद में धागा डालना है। अब देखिए एक धागा कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरा धागा डालेंगे। ये धागा तो कंप्लीट हो गया है, इसको बंद कर देंगे। दूसरा धागा हम इस छेद में डालेंगे। अब धागे को इस टेंशन के अंदर लेना है और फिर इस छेद में लेना है, धागे को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में ये छेद आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से ये चलता है, तो इस छेद में धागे को डालना है, साइड से डालना है और बाहर की साइड निकाल लेना है। अब देखिए ये छेद आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस छेद में धागा डालना है। अब ये छोटी टेंशन है सुई के ऊपर, इसमें धागा डालना है इस तरह से, और इसके बाद में धागा सुई में डाल लेना है। सुई का जो छेद आपको दिख रहा है यहाँ पे धागा डालना है, इस तरह से धागा डाल के और इस तरह से आपको चिमटी से धागे को पकड़ लेना है। ये हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसे हमने 2 धागे कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम तीसरा धागा डालेंगे। यहाँ पे तीसरा धागा हम डालेंगे यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है छेद, यहाँ पे इसमें डाल लेंगे। अब देखिए मशीन के बैक साइड में ये वाला छेद है, यहाँ पे धागा डालना है। यहाँ पे धागा डालने के बाद धागा अंदर आ जाएगा मशीन के, यहाँ से धागे को पकड़ लेना है। अब जो टेंशन के पीछे छेद है इस छेद में धागे को डालना है, यहाँ पे डाल लिया है धागा। अब टेंशन में धागा डालना है, धागा चाहे नीचे की साइड से ले या ऊपर की साइड से, टेंशन के बीच में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे छेद है, यहाँ पे अंदर की साइड छेद है और इस साइड से ये छेद निकलता है यहाँ पे, तो इसमें धागा डालना है। ये इस साइड धागा निकल गया है, इसको पकड़ लेंगे। देखिए थोड़ी सी मशीन को घुमाएंगे और ये जो हिस्सा है ये पार्ट ऊपर की साइड आ रहा है, धागे को इसके पीछे की साइड से ले लेंगे और यहाँ पे आपको एक हुक दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे हुक है, तो इसमें इस धागे को इस तरह से डाल देंगे।
ये डल गया है इसमें धागा। अब देखिए मशीन को फिर से थोड़ी सी घुमाएंगे और यहाँ पे धागा डालने के लिए जो जगह है वो बाहर आ जाती है। ये देखो ये छेद है, यहाँ पे धागा डालना है इस साइड से और यहाँ से धागा निकल जाएगा। इसके बाद एक जगह और बची है धागा डालने की, ये धागा यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे एक छेद और है। इस तरह से धागे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मशीन को चला के देखेंगे। इस तरह से आपको ये उलझन सी दिख रही है, लेकिन उलझन नहीं है, ये सिलाई इसी तरह की आती है। और लग में पीछे की साइड निकाल देनी है यहाँ से। मशीन इंटरलॉक करने के लिए तैयार है। यहाँ से जैसे सिंपल मशीन का पंजा उठता है, उस प्रकार से इसका पंजा नहीं उठता है। इसमें कपड़ा यहीं पे लगाना पड़ता है। मशीन को चलाते हैं तो ये कपड़ा पीछे की साइड खुद ही चला जाता है। तो देखिए मशीन ने ओवरलॉक कर दिया है, इस तरह से ओवरलॉक हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ओवरलॉक मशीन में धागा डालना बता दिया है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मशीन हमेशा ओवरलॉक की जो है उल्टी चलती है, इस तरह से बैक साइड में। अगर आप इसको सीधी चला देंगे तो इसमें धागा फंस जाएगा, इसको हमेशा उल्टा ही चलाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।